हिंदी के सहायक प्राध्यापक ने परीक्षा कक्ष में मोबाइल ले जाने से मना किया तो छात्र ने की बदतमीजी, शिकायत की तो घर आकर कर दी छेड़छाड़। शहर के फिजिकल पर स्थित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में परीक्षा के दौरान जब सहायक प्राध्यापक ने परीक्षा कक्ष में मोबाइल ले जाने से मना किया तो छात्र ने बदतमीजी की। इसकी शिकायत प्राचार्य को करने के बाद छात्र अपने दोस्तों के साथ शिक्षिका के घर पहुंचा और उसके साथ छेड़छाड़ की और बदतमीजी कर दी। हिंदी की सहायक प्राध्यापक ने बताया कि उनकी ड्यूटी 26 नवंबर 2024 को, बीएड परीक्षा दिसंबर 2024 में कक्षी कक्ष क्रमांक 16 में लगी हुई थी। इस दौरान उनके साथ प्रोफेसर चैतन्य राजपूत सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र की ड्यूटी पर थी। इस दौरान थर्ड सेमेस्टर का छात्र देवेंद्र सिंह परीक्षा देने आया, जिसके पास परीक्षा कक्ष में मोबाइल था। जब परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाइल ना ले जाने की बात कही तो उसने बदतमीजी कर दी। साथ ही प्रोफेसर चैतन्य सिंह राजपूत की कॉलर भी पकड़ ली थी, जिसकी शिकायत जब शिक्षिका ने प्राचार्य से की। शिकायत के बाद 26 नवंबर को शाम को छात्र अपने 6 दोस्तों के साथ शिक्षिका के कॉलेज के पास स्थित शासकीय क्वार्टर के बाहर आया और हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ कर दी और धमकी देकर चला गया, जिसकी शिकायत आज फिजिकल थाना पुलिस को शिक्षिका ने दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। कल सर जो है बीएड का एग्जाम था, बीएड थर्ड सेम का, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कक्ष क्रमांक 16 में। एक छात्र आया और उसके पास में मोबाइल था, क्योंकि हमें स्पष्ट निर्देश है नकल रोकने के, तो मैंने उसी के तहत उसको रोकने की कोशिश की। मैंने कि नहीं, आप मोबाइल नहीं ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं माना और विवाद करने लगा। विवाद करने वजह से मुझे धक्का दे दिया। इतने में मेरे साथ एक सर और हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, प्रोफेसर चैतन्य सिंह राजपूत, तो वो बीच में आया, कह रही ये क्या कर रहे हो ऐसे बदतमीजी। तो वो इतना और इससे उसने इतना ही नहीं, उनका भी कॉलर पकड़ लिया, मुझे जानते नहीं है, मैं मेरी पहुंच कहाँ तक है, वो मैं तो ऐसे ही करूँगा। फिर लेकिन विवाद होता रहा, क्योंकि परीक्षा कंडक्ट करानी थी, तो हमने फिर अपने काम पर फोकस किया और उसको जैसे तैसे करके समझाया, मतलब समझाया क्या, विवाद को रोका जी। और उसने एक व्यक्ति को फ़ोन किया, मोबाइल उसको दे दिया जी। हो गया, वो बैठ गया एग्ज़ाम में जी। पूरे विवाद करता रहा पूरे टाइम, लेकिन बाद में जो है मैंने फिर उसकी सूचना लिखित रूप में नीचे प्रिंसिपल सर को दे दी एग्जाम खत्म होने के बाद, क्योंकि बीच में मैंने सोचा ऐसे चलो ये होता ही रहता है नॉर्मली। उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि शाम को जब मैं अपने घर के पास टहल रही थी, उस समय देवेंद्र सिंह और उसके साथ 5 लड़के आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच लिया और मुझसे अपशब्द बोलने लगे और बोले तुझे बहुत शौक है नकल रोकने का इस तरह से, और मेरे साथ धक्का मुक्की की। तो उसके बाद में मैंने जैसे तैसे अपने आप को बचाया और मैं चूंकि खाली हाथ थी तो मैं किसी को कॉल भी नहीं कर पाई और वो लोग भाग गए। कहाँ की घटना है? मेरे घर के पास सामने, मैं F3 टीवी टावर रोड, प्रोफेसर कॉलोनी। तो ये किस कॉलेज का छात्र था मैम? ये छात्र बीएड का छात्र है और ऐसा सुनने में केशव कॉलेज का छात्र। केशव कॉलेज का छात्र का नाम क्या बताया मैम? देवेंद्र सिंह। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ दर्ज करा चुकी है? मैंने पहले इसकी शिकायत अपने प्रिंसिपल सर को दी जी, क्योंकि वो कॉलेज परिसर का मैटर था जी। लेकिन जब उन्होंने मुझे शाम को कॉलेज परिसर के बाहर मेरे घर के यहाँ धमकाया, चूंकि मैं अकेली ही रहती हूँ, तो मुझे डर लगा कि कॉलेज नौकरी नहीं कर पाओगी। तो मैं चूंकि समय के बाद में वहाँ गई भी और वहाँ जाके देखा फिर से, तो मैं फिर आई और मैंने अपना आवेदन फिजिकल थाना में दे दिया। 6 लोग थे शाम को? जी, शाम को 6 लोग थे। इसने मेरा हाथ भी पकड़ा और मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां भी दी और कर नौकरी नहीं कर पाओगी तुम यहाँ, अब मैं अकेली मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी, तो फिर ऐसे तो कोई। कहाँ की रहने वाली? मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ।